हमीरपुर जिला के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमीरपुर के गांधी चौक पर होमगार्ड के बैंड दस्ते ने शानदार बैंड डिस्प्ले किया। इस दौरान होमगार्ड के जवानों ने मधुर धुनों से लोगों का मनोरंजन किया। स्थानीय लोगों, व्यापारी वर्ग और आम राहगीरों ने होमगार्ड के बैंड दस्ते की हिंदी और पहाड़ी धुनों की स्वर लहरियों को खूब आनंद लिया। इस मौके पर हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त हमीरपुर, एसपी हमीरपुर, एडीएम हमीरपुर, एसडीएम हमीरपुर, होमगार्ड के कमांडेंट, नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, भाजपा मंडल अध्यक्ष सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। जिलावासियों को शुभकामनाएं देते हुए स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर जिला के सफर के दौरान कई सराहनीय उपलब्धियां जिला ने हासिल की हैं, जिसके लिए जिलावासी बधाई के पात्र हैं। हमारा हमीरपुर जिला स्वर्ण जयंती की ओर प्रवेश किया है। लगभग 49 साल पहले हमीरपुर जिले का अलग अस्तित्व के तौर पर बना था और 50 वर्ष पहले और आज के हमीरपुर में बहुत ज़्यादा अंतर है। मैं जितने भी यहाँ पर राजनीतिक पार्टियाँ रूलिंग पार्टी में आई, सभी नेताओं का मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा और सबको बधाई भी देना चाहूँगा। और इस शुभ अवसर पर तो सभी हमीरपुर जिला के निवासियों को, खासकर हमीरपुर विधानसभा के लोगों को बधाई भी देना चाहूँगा, शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। जब हमीरपुर जिला अस्तित्व में आया तो विकास की नींव जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, स्वर्गीय ठाकुर त्रिवेदी चंद ने हमीरपुर में विकास की नींव रखी थी। आगे आने वाले नेताओं ने, भूमि जी ने, अग्रवाल जी ने, हम सब ने प्रयास किया और एक बड़ी मंजिल बनाने का हमने प्रयास किया। और आज मैं सबको बधाई भी देना चाहूँगा कि आज हमीरपुर जिला हिमाचल प्रदेश के अग्रणी जिलों में से एक है। चाहे आप विकास के इसमें ले लीजिए, आप चाहे एजुकेशन में ले लीजिए, तो किसी भी स्तर पर आप बाकी जिलों के साथ हमारा कंपैरिजन कर सकते हैं। हमारा हमीरपुर जिला हिमाचल में एक विशेष स्थान रखता है और यहाँ तक पहुँचने के लिए जो हमारे पूर्व में नेता रहे हैं, चाहे वो स्वर्गीय ठाकुर सुधीर चंद जी हैं, अब चाहे भूमि जी रहे हैं, अनुराग जी रहे हैं, इन सब का बहुत ज़्यादा योगदान इसमें हमीरपुर जिला को, मैं ये तो कहूँगा कि नंबर जिला बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज इस अवसर पर मैं सभी को, सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता वणिक ने कहा कि आज के दिन प्रदेश के 3 जिलों का गठन किया गया था, जिनमें हमीरपुर भी शामिल था। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला ने अपने गठन के बाद नई बुलंदियों को छुआ है, जिसके लिए हमीरपुर की जनता बधाई की पात्र है। उन्होंने कहा कि विगत 2 वर्षों से कोविड के चलते हमीर उत्सव नहीं मनाया जा रहा है और जैसे ही हालत सुधरेंगे वैसे ही जिला में होने वाले उत्सवों को पुनः शुरू किया जाएगा। आज का दिन बहुत हमारे लिए शुभ है और बहुत ही अहम एक दिन है, क्योंकि आज हम जिला के फाउंडिंग डे के 50वें वर्ष में एंटर कर रहे हैं और 1972 में पहली बार जो है 3 जिले हिमाचल प्रदेश में बनाए गए थे नए, और हमीरपुर, ऊना और सोलन जो है आज के दिन स्थापित किए गए थे। और ऊना और हमीरपुर के लिए 50वें वर्ष का आज जो है पहला दिन है और इसके लिए मैं सभी जिलावासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। ये हमारे ज़िला के सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा और खुशी का दिन है और आज हम अपने अपने तरह से एक जो है ज़िला के इन 50 वर्षों को एक आज के दिन को मार्क करने के लिए एक छोटा सा बैंड का जो डिस्प्ले आयोजन जो है वो गांधी चौक में करने जा रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि सभी अपने अपने तरह से, जो जिस भी फील्ड में है, जो जिस भी कार्य में जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं हमीरपुर का नाम हम बहुत रोशन कर रहे हैं सभी लोग हमीरपुर के ज़िलावासी, और आगे भी जो है कामयाबी की ऊँचाइयाँ छूँ।
इस मौके पर प्रदेश बार काउंसिल के मेंबर एवं समाज सेवी एडवोकेट रोहित शर्मा ने जिलावासियों को बधाई देते हुए कहा कि जिला ने गठन के बाद प्रदेश की राजनीति में अलग पहचान बनाई है और चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा, दोनों ही दलों के नेता ने जिला के विकास में अपना योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि जिला ने शिक्षा के क्षेत्र में देश व प्रदेश में अलग मुकाम हासिल किया है, जो कि गर्व की बात है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाली पीढ़ियां इसी रफ्तार को बढ़ाएंगी और जिला को एक नए मुकाम पर पहुंचाएगी। आज 1 सितंबर 1972 को हमीरपुर जिले का गठन हुआ था और कांगड़ा जिले से टूट के हमीरपुर बना था। इसके लिए मैं हमीरपुर के तमाम शहरवासियों को, तमाम जिलावासियों को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ और उनको बताना चाहता हूँ कि हमीरपुर का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। अगर हम इतिहास को थोड़ा खंगाल के देखें तो राजा हमीरचंद टिटोत जी के नाम से इस नगरी का नाम पड़ा और उन्होंने करीब 1700 ईस्वी के तकरीबन उन्होंने यहाँ पर राज किया। उसके बाद राजा संसारचंद टिटोत वो आए, उन्होंने उनका एक स्वर्णिम इतिहास रहा। उन्होंने एक यहाँ पे सुजानपुर टीरा में एक महल का गठन निर्माण कराया। इसके तहत हमारा इतिहास आगे चलता रहा। और अगर नेतृत्व की बात की जाए तो अगर हम इतिहास को और थोड़ा सा नज़दीक जाएँ तो 1972 में जब जिला बना तो यहाँ से स्वर्गीय रमेश शर्मा जी यहाँ से विधायक बने, काफ़ी उनका नाम था, कदावर नेता हिमाचल के रहे। उसके बाद ठाकुर जगदेव जी, आदरणीय ठाकुर साहब का बहुत बड़ा एक रुतबा प्रदेश में कायम हुआ। उसके बाद आदरणीय प्रोफेसर कुमार कुमार धूमल जी 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मौजूदा दौर में चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात है, कांग्रेस की बात है, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आज के दौर के सबसे लोकप्रिय नेता हमीरपुर से बन के उभरे हैं, ताकतवर नेता बन के उभरे हैं। अनुराग ठाकुर जी केंद्र में मंत्री हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज को होल्ड कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हमीरपुर का नाम, चाहे नेतृत्व की बात है चाहे इतिहास की बात है, हमारा एक गौरवशाली अतीत रहा है। हम आज भी एक प्रेजेंट में भी बहुत, वर्तमान में भी बहुत अच्छे नेतृत्व को हम देख रहे हैं। उसके बाद अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें उसमें भी हमीरपुर जिला बहुत अग्रणी रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हमीरपुर ने बहुत तरक्की की है, यहाँ का युवा वर्ग शिक्षा से बहुत जुड़ा है। मैं कहना चाहूँगा कि हमीरपुर के आज 1 सितंबर के दिवस पर हम देखते थे कि हमीर उत्सव को मनाया जाता था, किसी कारणवश आज हमीर उत्सव नहीं मनाया जा रहा कोरोना के चलते जो रिस्ट्रिक्शंस हैं। मैं तो ये भी कहूँगा कि बदलते दौर में हमीर उत्सव को भी मनाने का जो तरीका है, उसका जो स्वरूप है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है कि उसको और कैसे तरीके से उसको मनाया जाए। और मैं कहना चाहूँगा कि आज के दौर में कोरोना के टाइम में शिक्षा के क्षेत्र में जो हमीरपुर अग्रणी जिला था, वहाँ कहीं ना कहीं हम पिछड़े हैं। कहीं ना कहीं एक हमारे को एक उसका हमारे जो एंटरप्रेन्योर है एजुकेशन, उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो यहाँ भी थोड़ा सा चिंतनीय विषय है और उनको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। मैं अंत में यही कहूँगा कि हमीरपुर एक बहुत ही अग्रणी जिला हिमाचल प्रदेश का है और पूरे विश्व में, सॉरी देश में, इसका एक अटूट आज की डेट में एक नाम है और हमीरपुर ने अपनी एक पहचान बनाई है। इसके लिए मैं हमीरपुर के तमाम जिलावासियों को दिल की गहराई से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।